हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम क्या होता है और कौन से स्टूडेंट्स यूजीसी नेट एग्जाम दे सकते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, सिलेबस क्या होता है और क्या इसकी एलिजिबिलिटी है एग्जाम देने की, इन सभी टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गाइस, सेशन को लाइक कर लीजिए, जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम क्या होता है। तो देखिए, यूजीसी नेट एग्जाम ऑल इंडिया लेवल का एक एग्जाम होता है और इस एग्जाम में ऑल इंडिया से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। गाइस, जो स्टूडेंट्स यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक करते हैं, जीआरएफ क्रैक करते हैं, तो देखिए वो स्टूडेंट्स इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कैंपस में एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या प्रोफेसर के लिए। गाइस देखिए, यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और नेट की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबल टेस्ट। ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और देखिए, जीआरएफ की फुल फॉर्म है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अधिकतर बच्चे जीआरएफ को जीआरएफ कहते हैं, लेकिन रियल में जेआरएफ होता है, जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो गाइस देखिए, जो यूजीसी है ये आर्ट स्ट्रीम के एग्जाम करवाता है। जो बच्चे आर्ट फैकल्टी से, आर्ट सब्जेक्ट से, यानी कि जिनका सब्जेक्ट आर्ट स्ट्रीम से होता है, आर्ट स्ट्रीम से, जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो आर्ट स्ट्रीम से होते हैं, उनका एग्जाम यूजीसी करवाता है। और जो साइंस स्ट्रीम से होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट साइंस स्ट्रीम में होते हैं, उनका एग्जाम करवाता है सीएसआईआर। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, सीएसआईआर साइंस स्ट्रीम के एग्जाम करवाता है। तो गाइस, हम यहां पर यूजीसी की बात कर रहे हैं। देखिए, तो देखिए, यूजीसी एक ऐसी संस्था है जो इंडिया के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में या कैंपस में प्रोफेसर प्रोवाइड करवाता है, यानी कि प्रोफेसर प्रोवाइड करवाता है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि यूजीसी नेट क्या होता है। गाइस, अब बात करते हैं कि यूजीसी नेट एग्जाम कौन दे सकता है। तो देखिए, जो स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं या जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, यानी कि एमए, एमएससी या एमकॉम, जो भी उनके पास मास्टर डिग्री है या मास्टर डिग्री जिनका चल रहा है, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। जिनका अभी अभी मास्टर डिग्री चल रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है, वो स्टूडेंट्स अपेयरिंग में अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जिनका कंप्लीट हो गया है, उनका अपेयरिंग में फॉर्म नहीं सबमिट होगा, डायरेक्टली उनका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उनको अपने डॉक्यूमेंट्स भी वहां पर सबमिट करने होते हैं, और जिनका चल रहा होता है उनको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना होता है। अपना आधार कार्ड और कुछ आईडी वगैरह मांगते हैं, या 10th 12th के मार्क्स वगैरह वहां पर सबमिट करना होता है। अब बात करते हैं गाइस, देखिए इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, यानी कि कितना परसेंटेज आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो देखिए, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनका 55% होना चाहिए, और जो एससी ओबीसी से आते हैं उनका 50% होना चाहिए। ये एक क्राइटेरिया है इस एग्जाम को देने के लिए, एक क्राइटेरिया है या एलिजिबिलिटी है कि 55% का होना बहुत जरूरी है, और जो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं उनका 50% होना बहुत जरूरी है। गाइस देखिए, यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और एनटीए की, सॉरी, नेट की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबल टेस्ट। और देखिए, जीआरएफ, यदि जो स्टूडेंट्स जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं, जीआरएफ क्रैक करते हैं, देखिए उन स्टूडेंट्स के लिए यदि वो पीएचडी करेंगे तो वहां पर उन्हें जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है, मिलती है। महीने का 35,000 से 45,000 तक वहां पर मिलता है। स्टार्टिंग में 35 मिलता है, उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है। और जिनका जिनका नेट क्रैक होता है, वो किसी भी कॉलेज कैंपस में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर एग्जाम देना होता है, एक प्रोसेस होता है, लेकिन एलिजिबल हो जाते हैं किसी इंडिया के किसी भी कॉलेज कैंपस में प्रोफेसर के लिए। वो बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं जो नेट एग्जाम क्रैक करते हैं। गाइस देखिए, अब बात करेंगे हम यहाँ पर एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो यहाँ पर दो एग्जाम होते हैं, पेपर फर्स्ट और आपका सब्जेक्ट, पेपर टू आपका सब्जेक्ट का होता है। अधिकतर स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि सर, हमें सिलेबस साइन कर दीजिए।
और देखिए कुछ स्टूडेंट्स तो दोनों सिलेबस मांगते हैं और कुछ स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट का ही सिलेबस लेते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता है कि यहाँ पर दो एग्जाम होते हैं। तो मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर दो एग्जाम होते हैं, एक पेपर फर्स्ट होता है, दूसरा पेपर टू आपका सब्जेक्ट का होता है। और जो पेपर फर्स्ट होता है वो जनरल होता है, सभी का सेम होता है, उसका सिलेबस सेम रहता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सेम नहीं आएगा। मेरी बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सेम नहीं आएगा, क्वेश्चन पेपर यानी कि चेंज होता है, लेकिन सिलेबस वही रहता है, बुक्स वही रहती है, कॉन्टेंट वही रहता है। तो देखिये पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 2 मार्क्स का होता है। और देखिए 50 क्वेश्चन यानी कि 100 मार्क्स का आपका पेपर फर्स्ट होता है, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट टू में यानी कि पेपर टू में सब्जेक्ट में आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स का होता है, टोटल 300 मार्क्स का आपका 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, यूजीसी नेट एग्जाम। और देखिए गाइस इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक वहां पर कट ऑफ होती है, मेरिट लगती है, कट ऑफ लगती है, और जो कट ऑफ के मतलब अंतर्गत आते हैं, कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो बच्चे कट ऑफ को क्रैक करते हैं, कट ऑफ को क्रैश कर देते हैं, छू लेते हैं, उनका एग्जाम क्रैक हो जाता है। जो कट ऑफ से पीछे रह जाते हैं उनका एग्जाम क्रैक नहीं होता है। अब आप खुद पता कीजिए कि आपके सब्जेक्ट में कितनी कट ऑफ जाती है। और कभी भी गाइस देखिए कट ऑफ पे ध्यान मत देना, मेरी बात को हमेशा याद रखना, आपको 300 में से 300 नंबर लाने की कोशिश करना, 300 नंबर लाने की कोशिश करना है। और देखिए 150 के 150 क्वेश्चन कंप्लीटली पूरा करना है। और गाइस इस एग्जाम में, यूजीसी नेट एग्जाम में कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है, मेरी बात को ध्यान रखिएगा, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है, सभी क्वेश्चन आपको क्रैक करने हैं, सभी क्वेश्चन वहां पर आपको करने होते हैं। हाँ जो CSIR जो एग्जाम करवाता है साइंस स्ट्रीम का, उसमें माइनस मार्किंग होता है। अब बात करते हैं गाइस इसका सिलेबस क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। तो देखिए पेपर फर्स्ट का अलग सिलेबस होता है, वहां पर जो पेपर फर्स्ट जनरल होता है सभी का सेम रहता है, और सब्जेक्ट टू यानी कि पेपर टू सब्जेक्ट आपका जो आपका सब्जेक्ट होगा पॉलिटिकल ज्योग्राफी इंग्लिश, वही आपका अलग सा एक सिलेबस होगा और उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर फर्स्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन और देखिए पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, ये सारा कुछ आपसे पूछा जाता है, लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी यूनिट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, इन्हीं यूनिट से पूछे जाते हैं। सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा, यूजीसी नेट की जो ऑफिशियल साइट है उस पर जाइए, आपको सिलेबस मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है पेपर फर्स्ट और ज्योग्राफी का सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा, दिस इज स्टडी टेलीग्राम पर जाइए, आपको सिलेबस मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पर देखिए, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, आप वहां से सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम पे जाइए और सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। गाइस देखिए इसकी एक बात और मैं मेंशन करना चाहता हूं कि यूजीसी नेट एग्जाम के लिए एज लिमिट क्या है। तो देखिए यूजीसी नेट के लिए, नेट के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कभी भी आप दे सकते हैं, लेकिन जीआरएफ के लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप जीआरएफ के लिए एक एज लिमिट है, जनरल कैटेगरी के लिए 30-33 यानी कि 30 से 33 साल की एज लिमिट रखी गई है, ओबीसी के लिए 33 साल है और जनरल के लिए 30 साल, और जो एससी एसटी से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए 35 साल की एज लिमिट रखी गई है। और गाइस देखिए अभी हाल ही में एज लिमिट का थोड़ा बढ़ा दिया गया है, आई थिंक 33 साल रखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए, और 35 साल एससी एसटी के लिए रखा गया है। सो गाइस ये सारी इंफॉर्मेशन थी। और गाइस एक बात और मैं मेंशन करना चाहता हूँ, यहाँ पर लगभग सारी चीजें मैंने बता दी है, लेकिन एक बात और है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम का जो लैंग्वेज है, किस लैंग्वेज में एग्जाम आता है। तो देखिए गाइस वहां पर एग्जाम आपका हिंदी में, हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन रहते हैं, आप पे डिपेंड है, जब आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे तो आप मीडियम चुनेंगे कि कौन से मीडियम में आप एग्जाम देंगे सबसे पहली बात, और जब आप एग्जाम देंगे तो वहां पर भी लैंग्वेज का ऑप्शन आता है। सो गाइस देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। पेपर फर्स्ट की जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं,
यदि आपको मेरे साथ प्रिपरेशन करनी है पेपर फर्स्ट की, तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और जिन बच्चों को मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना है, तो देखिए ज्योग्राफी की क्लासेस ली हैं, डिस्क्रिप्शन पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से सारी क्लास को देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को जरूर जरूर ज्वाइन कीजिए।